हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उनके लिए स्कॉलरशिप होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप के डिटेल्स के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास है, स्टूडेंट्स एडमिटेड टू फर्स्ट ईयर पीजी प्रोग्राम, रीजन है इंडिया एंड अ मंथली फाइनेंशियल अलाउंस ऑफ 15,000 फॉर 10 मंथ्स। जो डेडलाइन है इसका वो है एनएसपी का जो डेडलाइन है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर दिस ईयर 31st December 2023। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट मोर डिटेल्स, सो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड टू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगा वो 15,000 फॉर 10 मंथ्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स टू परस्यू हायर स्टडीज इन इंडिया। एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट कुछ और एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो है ये दोनों, इंडियन नेशनल एंड फर्स्ट ईयर होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से, ठीक है। बी अ बिलो ऑफ एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी, ठीक है। 30 ईयर्स से नीचे होना चाहिए आपका एज एंड हैव अ फैमिली एनुअल इनकम जो कि है लेस देन 2,50,000 फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, राइट। नॉन एलिजिबिलिटी है जिन्होंने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी सेकंड ईयर में, वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। एंड द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ए पीजी थ्रू ओपन डिस्टेंस और कोरेस्पॉन्डेंस और प्राइवेट और पार्ट टाइम मोड आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। आपको रेगुलर मोड पे पीजी में एडमिशन लेना होगा तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बताया। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एडमिशन, फीस स्लिप एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारे नेसेसरी है। कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, एनएसपी का जो प्रोसेस है सिमिलर है वहाँ पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ अ कैंडिडेट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्वीन, सिंगल और द फेडरल गर्ल चाइल्ड, ओके। स्कॉलरशिप गाइडलाइंस के बारे में बात करें बट कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे 30% स्लॉट है स्कॉलरशिप जो कि है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 50% ऑफ द स्कॉलरशिप स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स परसुइंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट एंड अनदर 50% स्लॉट्स है मेडिकल, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, साइंस, इनके लिए। यूजीसी इंक्लूडेड सेक्शन 2F यूजीसी एक्ट हैविंग अ वैलिड एक्रेडिटेशन फ्रॉम NAC जो स्टूडेंट का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट, इंस्टीट्यूशन फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। अब यहाँ पे हम लोग स्कॉलरशिप गाइडलाइंस को डाउनलोड करेंगे एक बार जो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे 10,000 नेशनल स्कॉलरशिप्स और एज मे बी डिसाइडेड बाय द कमीशन द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ इन अ ईयर। तो 10 मंथ इन अ ईयर आर अवेलेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर्स ऑफ परस्यूइंग हायर स्टडीज विद इन द इंडिया लीडिंग टू अवार्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अंडर द स्कीम नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ओके, राइट। 30% यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी आप लोग यहाँ पे बाकी सारा कुछ देख सकते हो, राइट, ओके। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिटेल्स पर बात कर लिया, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन बात कर लिया, ओनली फॉर बेनिफिट कौन कौन है ये देख लिया हमने। आप प्रोसेस की बात करें तो आधार सीडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर उसी पर्टिकुलर आधार नंबर से लिंक्ड है। तो इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा कि वो 3 सीडेड हो, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया है, जैसे सिलेक्शन है वैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे प्रोसेस है। रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर नॉर्मली इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर ऑफ द सेम ईयर बाय एनएसपी। प्रोसीड्योर अवेलिंग द स्कॉलरशिप, सबसे पहले तो ये इन्वाइटेड वंस इन ईयर ऑन द नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन ऑल्सो अपडेटेड इन द UGC। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, ओके। स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी सर्टिफिकेट और एफिडेविट ऑन NSP, राइट राइट। बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे KYC वगैरह का है, आप लोग देख सकते हो। एंड रिन्यूअल्स का भी सिस्टम है क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करना होगा सारे स्टूडेंट्स को, जिनको भी फर्स्ट ईयर में मिलेंगे उनको, राइट, ओके। अब कैसे स्कॉलरशिप दिया जाए, तो DBT का प्रोसेस है यहाँ पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं बैंक अकाउंट पे दिया जाएगा आपको स्कॉलरशिप। बाकी जितने भी डिटेल्स है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है। आपको सिंपल NSP पे रजिस्टर करना होगा, देन लॉगिन करना होगा एज अ स्टूडेंट। जैसे आप लोग सारे डिटेल्स को दोगे, अगर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये शो होगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो UGC पे जाके नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज ओपन टिल 31st December 2023, ओके। इसका स्कीम फिलहाल क्लोज डेट है अभी, वेरिफिकेशन होगा, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा कुछ दिया है यहाँ पे। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा मेरे चैनल पे। मैं ऑलरेडी जितने भी स्कॉलरशिप्स
अपकमिंग आएंगे उन सभी का डिटेल्स यहाँ पे दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिए फॉर द नोटिफिकेशंस एंड अपकमिंग स्कॉलरशिप्स, राइट। एंड बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे भी वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए जितने भी आपको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।